अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोभी आलू। गोभी आलू देखिए कैसे बनता है। मैंने एक डेढ़ पाव तकरीबन ना प्याज काट ली और आधा पाव तेल गरम करा सरसों का। उसमें ये थोड़ी प्याज लाल करेंगे, अब ये फुल आँच पर हम प्याज थोड़ी लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन का हो जाएगी तो फिर हम इसमें सारी चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक डालने से ये होता है प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। ये देखें अदरक काटी है मैंने, ये अदरक के बारीक बारीक पीस। ये अदरक भी डाल दूँगी मैं इसी में, और ये हरी मिर्चें काटी हैं, हरी मिर्चों की 10 से 12 अदद ये भी डाल दूँगी इसी में। ये 4 अदद साबुत मिर्चें लिए मैंने, उसको तोड़ लिया है 4 अदद साबुत मिर्चों को भी। ये भी इसे प्याज में डाल के ब्राउन कर लूँगी हल्का सा। देखिए जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो मैंने गोभी काट के कर रखी है, उसको मैं वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी गोभी, तो गोभी को मैं वॉश कर लूँगी। गोभी के जो पीस है ना हम ऐसे ही साबुत रखेंगे, इसको ऐसे ही गलाएंगे। बस 1 किलो गोभी है तकरीबन ये ना, मैं हमारी प्याज लाल हो रही है गोभी को भी अच्छे देंगे। गोभी को भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी, वाइट चावल पका के उसके साथ वाइट चावल में भी खा सकते हैं। और जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी तो हम इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन ये डेढ़ पाव टमाटर है। अगर चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं टमाटरों को। डेढ़ पाव प्याज टमाटर काटी है और इस प्याज लाल होने के बाद डालेंगे। मैंने 1 किलो मंगवाए, 1 किलो गोभी में 1 किलो आलू, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं आलू शॉप से। तो ये आलू भी मैं छील रही हूँ साथ साथ, गोभी धो के मैं वॉश करके रखती हूँ। आलू को अभी अच्छे तरीके से धो के इसको काट रही हूँ। 1 किलो गोभी है, 1 किलो आलू है। अगर आप चाहें तो आधा किलो भी डाल सकते हैं आलू, हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं आलू शॉप से, इसलिए 1 किलो ही डालेंगे। तो ये सब्जी पकने के बाद ना बहुत थोड़ी सी रहती है, तो पानी वगैरह में डालते हैं बिल्कुल सूखी होती है। रोटी से भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत से लोग गोभी लोग शोरबे वाली भी बनाते हैं, मसाले में घोल के उसको शोरबा बनाते हैं। ये खाना कई तरीकों से पकता है, तो जो फैमिली को अच्छा लगे उसी स्टाइल से खाना बनाना चाहिए ना। घर में पहले बच्चे और हस्बैंड शौक से खाना बिरयानी हुई, लाइट ब्राउन प्याज हो गई। अब इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे, थोड़े हरे हैं कच्चे पक्के टमाटर रहे हैं ना, इससे जायका अच्छा आता है सब्जी में। ये टमाटर थोड़े गल जाएंगे ना फिर उसे गोल कर देंगे। पाँच मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा दें।
देखिए थोड़े नरम हो गए हैं टमाटर हमारे। अब मैं इसमें ना गोभी डालूंगी और आलू अभी मेरे पूरे काटे नहीं है, काट के आधे डाल काट लिए और आधे और भी काट के डालूंगी। बिल्कुल ये गोभी के जो फूल है ना ऐसे ही रहेंगे, गल जाएंगे मगर साबुत ही अच्छे लगते हैं ना। बहुत से लोग इसको घोट के भी पका देते हैं, तो जैसे घर वालों को अच्छा लगे वैसे ही पकाना चाहिए ना। देखें ये आलू काटने वाले हैं, थोड़ी गोभी भी इसमें और आलू भी है। मैं इसको ढक्कन लगा के गलने के लिए छोड़ दूंगी। नमक डाल दिया था हमने शुरू में, अब इसी मसाले में गोभी गल जाएगी। थोड़े से आलू रह गए दो तीन, मैं भी गोभी काट के डाल देती हूँ। इसमें ढक्कन लगा दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये भाप में गलेगी। गोभी आलू देखिए हमारी तैयार हो गई है ये, और ये देखिए तेल अलग हो गया, इसका तेल अलग नज़र आ रहा है और गोभी आलू बिल्कुल गल गई है, तैयार हो गई है। और इसको मैंने डिश आउट कराई प्लेट में, देखिए इसको अच्छी तरीके से। और ये सफ़ेद गोभी आलू है, ये इसको रोटी के साथ भी खा लो और चावलों के साथ मल के खाओ, बड़े मज़े की लगती है ये ना। अगर आप टमाटर भी डालना चाहें और मज़ीद ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 1.5 पाव टमाटर रखे थे जो मैंने डाल दिए ना। ओके, अब कल मिलेंगे और अल्लाह बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।